और तुम भाई फालतू में, ये भाई फालतू में एड्रेस कह रहे यही गाड़ देंगे। हाँ भाई बताओ, गाड़ दोगे ना यहाँ पे भाई? बिल्कुल, गाड़ दोगे बिल्कुल? ठीक है ठीक है। हाँ तो भाई कैसे हो, उम्मीद करते हैं कि सब लोग एक नंबर दो कौड़ी के हो गए। ठीक है भैया, और आज जोमेटो में बहुत लेट हो गए, शिफ्टें इतने थी नहीं हमारे पास। तो ये 2 बज रहा है, 2 बजे शिफ्टें हैं, 2 बजे से रात 10 बजे तक है, 8 घंटे की शिफ्टें हैं। तब देखेंगे क्या काम होगा, कल तो काम कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि कितने का काम कर पाएंगे। उसी के साथ साथ देख लो भाई, ये बाइक का मीटर है 446 हो रहा है, और शाम तक कितनी चलती है बाइक सब बताने वाला हूँ भाई। और माइक का मसला हो गया, देखेंगे अगर उधर सिटी तरफ जाएंगे तो माइक एक बढ़िया वाला खरीद लेंगे, रोड का ही खरीद लेंगे सोच रहे हैं। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, तो एक बार रो लेंगे, अब आई होप सही से चल जाए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, बने रहो, पूरी वीडियो एंड तक देखना। और जिसको जिसको कल की वीडियो मतलब कल किस टॉपिक पे चाहिए, फटाफट से कमेंट करना शुरू कर दो, मैंने कल का स्लॉट खाली कर रखा है। आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उसी चीज़ की वीडियो बनेगी। ठीक है, बने रहो। हाँ भाई, यहाँ से एक ऑर्डर लगा मेरे रेड ड्रैगन से भाई, ठीक है, उन्होंने गाली गलौज बहुत गंदी तरीके से करी है, और हाल भी देख लो, आइटम केवल एक नहीं था, तो मेरे से कर कॉल मिला, कॉल मिलाने का ऑप्शन आप लोग जानते हो कस्टमर के पास जाने के बाद मिलता, और वो बहुत गंदी गंदी गाली बक्के ने, ये रेड ड्रैगन चॉप स्टिक है। ठीक है भाई, तो अब बताओ क्या करा जाए। मैंने यहाँ पे देखिए कंपनी का जो है ये सर्विस वाला ये इमरजेंसी नंबर है वो मैंने डाल कर दिया, बाकी ये गाली गलौज करेंगे यार क्यों भाई, ये ले भाई। ठीक है, तो आप लोग बताना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भाई हमारी कंपनी है, हम भी ईमानदारी के लिए इज्जत बेच के कोई रोटी नहीं खाता, चाहे हम उनको गाली बक्के तो वो भी बुरा माने, हमें लग गाली बक्की ने तो हम भी भाई बुरा लगेगा, सीधी सी बात है, गाली से कोई बात नहीं होती भाई, ईमानदारी से बात होती है, तमीज से बात होती है। ठीक है, और आप देख लो भाई, ये रेड ड्रैगन है, ये रेड ड्रैगन महानगर के पास है। ठीक है, चलो ये ऑर्डर जो है फिलहाल हम अभी पिकअप कर लेते हैं, बाकी कंपनी से हम बात करते हैं, देखते हैं क्या ही होता क्या नहीं होता। ठीक है, और तुम भाई फालतू में, ये भाई फालतू में एड्रेस कह रहे यही गाड़ देंगे। हाँ भाई बताओ, गाड़ दोगे ना यहाँ पे भाई? बिल्कुल, है गाड़ दोगे बिल्कुल? ठीक है ठीक है, देख लो भाई सामने ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि गाड़ देंगे तुमको, जो कि मेरी कोई गलती नहीं, चाहे कैमरा आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कंपनी के साथ ही साथ मिलते हैं। मैम आवाज़ आ रही है, 112 पे मैंने कॉल करा है, और मैम एक मैं जोमेटो राइडर हूँ और जोमेटो में काम करता हूँ, तो अभी एक रेस्टोरेंट वाले ने मैम गाली गलौज करके और मेरे को भगा दिया है, मतलब धक्का मुक्की कर रही, बहुत गंदी गंदी बातें करी मैम, समझ लिए एक लोग तो बोले तुमको जिंदा मार देंगे। मैम बताइए, जी जी जी, सूचना को नोट कर दीजिए मैम, किसी को भेज दीजिए, वो कह रहे हैं कि चले जाओ मेरी आंखों सामने से, माँ बहन की गंदी गंदी बहुत गंदी गाली बकरे, जो कि मैंने केवल ऑर्डर लेने के लिए गया था उनके पास। चेतन शुक्ला नाम है मैम मेरा, जी जी, और ये महानगर में रेड ड्रैगन रेस्टोरेंट है, उसके पूरे स्टाफ क्या मतलब 2-4 स्टाफ ने मतलब ऐसा कहा है कि तुम ऐसा वैसा कि मार डालेंगे तुमको, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अभी अपन वहीं जा रहे हैं। खाना गाजीपुर तो नहीं मैम, ये महानगर वायरलेस चौराहे के पास की वारदात है मैम। जी जी जी, वायरलेस और जी जी, थाना महानगर है, जी जी, रेड ड्रैगन पे ही आना है, रेस्टोरेंट का रेड ड्रैगन नाम है। हाँ ठीक है मैम, भाई मैंने कॉल कर दिया है 112 पे, और मैं अपने फ्लीट मैनेजर को भी कॉल कर रहा हूँ, कॉल उनकी उठ नहीं रही है, ये ऑर्डर मैंने डिलीवर करा और यहीं पे आईडी करते हैं बंद भाई। ठीक है, क्योंकि तो माँ बहन की गाली देकर के कोई भी नहीं काम करना चाहेगा, और मैं अपने फ्लीट मैनेजर को एक बार और फिर से कॉल कर ले रहा हूँ, आपके सामने ही कॉल कर रहा हूँ, उनका कॉल लग नहीं रहा, मैनेज प्रोफाइल में जाएंगे, और ये आनंद अग्रवाल, उत्कर्ष अग्रवाल सर है हमारे, उनको कॉल मिलाते हैं। तो भाई मैंने यहाँ से निकल के मतलब ऑर्डर लगा था, हमने कहा पहले ऑर्डर दे लें फिर बात करते हैं, कस्टमर इसमें क्यों झेलन में फंसे, तो ऑर्डर डिलीवर करके मैंने पुलिस वालों को कॉल कर दिया, पुलिस वाले रेस्टोरेंट पे पहुँच ही गए थे, बस मैं भी यहाँ से ऑर्डर डिलीवर करके तुरंत पहुँच रहा था, देख लो भाई फटाफट से, क्योंकि मेरे को कॉल आया पुलिस वालों को कि कहाँ हो, हमने कहा बस 2 मिनट रुकिए सर मैं आ रहा हूँ,
भाई इस कदर समझ लो, एक अंदर और है, एक इसमें सलमान करके लड़का है, सारा खेल उसी का है, उसी ने गाली गलौज करी है, तो लड़का बाद में। देखिए सर जी लोग आ गए हैं, मैंने 112 मिला दिया था ना। कैमरा बंद कर दे रहे। 1000 years later. भाई फाइनली हम आ गए, वहाँ से पुलिस वुलिस आई थी भाई, इतना समझाते रहे, जब मैंने वीडियो दिखाई है ना तब जाके उनके ऊपर एक्शन कायदे से लिया गया, ये समझ लो ऐसा सीन रहा है भाई वहाँ पे। हेलो, हाँ जी सर, चेतन शुक्ला से बात हो रही है, कंपनी का कॉल आया। हाँ जी, अपन आ गए वहाँ से, पुलिस वुलिस का केस नहीं करवाया मैंने, क्योंकि पुलिस वाले तो कह रहे थे बताओ इसके ऊपर मुकदमा कर दें, अच्छा वाला जो बोला था कि तुमको जिंदा गाड़ देंगे भाई उस रेस्टोरेंट पे, जो कि वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो मैंने कहा भाई छोड़ो, दो पैसा ये भी कमाते हैं, अगर ये कोई बहुत बड़े लखपति होते या कोई बहुत अच्छे घर से होते या पैसा इनके पास ज़्यादा होता तो ये नौकरी ना कर रहे हो, तो दो पैसे के लिए वो भी काम कर रहा है। उसके तो ओनर ने ये कह दिया कि भाई चलो इसको बाहर निकालो, छोड़ो, हटाओ, है ना। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, इसको नौकरी पर रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भाई लहजे का लिहाज रखे, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे वो हो, कोई भी अपनी देखिए इज्जत बेच के पैसा नहीं कमाना चाहता, कोई भी हो, चाहे हम चाहे वो हो चाहे कोई हो। तो इसलिए भाई पुलिस वालों ने मैं सपोर्ट में रहे अपने, बाद में मैं नहीं कहा चलो ठीक है भाई कोई केस मत फाइल करो, लेकिन इनसे बोल दो आइंदा से अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर तो पक्का केस फाइल करवा दूंगा, मुकदमा भी कर दूंगा, जो कुछ होना हो जाएगा, फिर देखा जाएगा क्या ही होगा। लेकिन ये भाई गलत है, 100 में से ये लोग पता राइडरों की वैल्यू नहीं समझते, बिल्कुल सोचते कि बेकार है, ऐसा ही है। देखो मेरे पास कैमरा है, मैंने स्पॉट पे मतलब वीडियो भी रिकॉर्ड कर ले, प्रूफ था मेरे पास, तो ये भाई मेरे लिए बहुत एडवांटेज है, तो इसलिए मैं इसको लगा के चलता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई चीज़ आपके समझ लो पक्ष में गिरती है, तो वही चीज़ अपने पक्ष में गिरी है। बाकी देखते हैं, मैंने ID लॉगिन कर ली, मेरी ये वाली शिफ्ट इनकम्प्लीट गई हुई है, अभी एक ऑर्डर आ गया है केक एंड बेक्स से, लेकिन अब काम करने मन नहीं लगेगा भाई, लेकिन जो भी है शिफ्टें बुक हैं तो अपन काम करेंगे, ठीक है, जो भी रहेगा देखा जाएगा क्या होगा, होता रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को भाई तुरंत जवाब देना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग फिर सर पे चढ़ जाएंगे, आज हमारी वैल्यू नहीं कर रहे, कल किसी के नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है, सबके साथ हो जाता है, लेकिन आज के बाद वो नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, लिखित ले लो भाई, और करेंगे तो ये वीडियो कहीं जाएगी नहीं, वीडियो रहे प्रूफ में, और हो सकता है कि अगर ऐसा रहा तो सीधे केस भी कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ईमानदारी से चलोगे तो सही है। मिलते हैं आपसे, ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं, अभी थोड़ा सा धूप ऊप है, रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है, बाकी मेरे पास सारे प्रूफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई फाइनली वी आर अराइविंग ऑन ज्ञानीज नेचुरल्स आइसक्रीम पार्लर सिंस 1956 का सिंस है भाई, समझ रहे हो, 1956। देखे पहले इनको, पहले अराइव करे, देखे कहाँ भेजे ने, अल जहोरा तो नहीं भेज दी ने, चलो भैया आइए हम भेज दी ने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑर्डर पिकअप करते हैं फटाफट से, लेकिन रेडी नहीं तो पिकअप क्या करेंगे, अभी ऑर्डर ही नहीं रेडी है, चलो भाई ये लास्ट ऑर्डर रहेगा मेरा, ठीक है, अभी रेडी नहीं है, रेडी होता पिकअप करके आपको दिखाते हैं। तो भाई फाइनली जो लास्ट ऑर्डर था यहाँ पे सारा सिटी होम पे आए थे ऑर्डर देने, दे दिया है, और आपको दिखाते हैं बाइक का मीटर, चेक कर लो आप, 28,555 है, अब गाड़ी कितनी चली वो घर चल के ही बताएंगे आपको, ठीक है, सीधे घर पे मिलते हैं आप। हाँ भाई जी घर आ गए हैं, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा, आज फूड का ब्लॉग करने का मतलब रिकॉर्ड करने की इच्छा ही नहीं कर रही थी, क्योंकि यार जगह कुड़कुड़ हो जाती फिर मज़ा नहीं आती है, ठीक है भाई। उस ऑर्डर को जब लेने गया था, बात असल में ये थी कि मसाला लेमिनेट नहीं था उनके पास, और मैं यहाँ से कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो उसमें वेरीफाइड लोकेशन आ रहा था, तो कॉल करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा था मेरे में, तो भाई अब बताओ मेरी गलती है। अब उसने कहा कि ऑर्डर दो दो दो, जाओ जाओ, हमने कहा रुक जाओ भाई आइटम तो चेक कर लें, ये जो जिसका वीडियो दिखा रहे हैं इस लड़के को मैंने ब्लर करा है, इसका तो चलो इसकी सेफ्टी पर्पस के लिए ब्लर करा है ना, इसको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, कि कोई दिक्कत यार मेरा कहीं नहीं, मतलब खुश रहो, नया खून है, फड़फड़ाते हो कोई बात नहीं, फड़फड़ा लो थोड़े दिन, क्योंकि अभी अब जब तो धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी तब आप समझ में आ जाएगा क्या मसला है, आगे आगे की लाइफ क्या है। चलो कोई नहीं, उसको समझाया बुझाया गया, पुलिस वुलिस वाले आए, उसने कहा ठीक है अब आगे से नहीं होगा ऐसा, एक अंदर बैठते हैं है ना, उन भाई साहब ने गाली गलौज करी थी, तो लड़का बाद में उनके पक्ष में बोल पड़ा कि हमारे स्टाफ का आदमी है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, तुम गाली दे ले रहे हो, हमने गाली नहीं दी उस जगह पे, तो भाई
हमने थोड़ा दिमाग से सोचा, पुलिस वालों को कॉल करी, वहाँ पे इनके क्रू मेंबर ज़्यादा थे भाई, 10-12 थे। हमने कहा अगर हम कुछ भी बोलेंगे यहाँ पे, सही बात भी बोलेंगे तो गलत लगेगी, तो इसलिए हमने कॉल करा, सपोर्ट लिया पुलिस का। और भाई कॉल करने के बाद ना सीधे सब पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को जब मैंने ये वीडियो दिखाई तब पुलिस वालों ने उन्हें हड़काया ढंग से, भाई ये तुम गुंडागर्दी कर रहे हो रेस्टोरेंट खोल के। लेकिन फिलहाल उनके जो ओनर है भाई, उन्होंने पर्सनली मेरे को कॉल करा, समझाया, मेरे को समझाया और फिर भाई बताया पूरी बात कि यार तुम पुराने आदमी हो भाई, तुम हेलमेट लगाए हो, तुम पहचान नहीं पाए थे, बहुत दिन से देखा नहीं, ऐसे वैसे करके बाकी ये सब बात हुई। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, लड़के को हटाना नहीं काम से, बढ़िया एकदम रखे रहो साथ में, लेकिन सिखाओ भाई एक गलत चीज़ ना सिखाओ, सही चीज़ उनसे करो, तरीका सीखे कि भाई कैसे बात करनी किसी को भी भाई। अगर आप इज्जत दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। और गाली बकना भाई हर एक इंसान को आता है, ठीक है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, कोई ऐसा स्वामी विवेकानंद नहीं है जिसको गाली बकना नहीं आता, सबको आता है, लेकिन कुछ जगह देख के गाली बकी जाती है, कुछ जगह देख के काम करा जाता है। तो भाई कोई बात नहीं, हम वहाँ पे संयम से काम हमने करा, जो कि हर चीज़ सही रहा, ठीक है। तो आप लोग बताओ, बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हो, हमने सही करा या गलत करा भाई, क्योंकि हमारे हिसाब से जो हमने सही लगा था वो हमने करा, है ना। बाकी आप लोग बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फैलाओ ये वीडियो जितना फैला पाते हो। और दूसरी बात है कि भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी से भाई, 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुँचने वाले हैं, है ना, जल्दी जल्दी धीरे धीरे पहुँचा दो 1000 का, फटाफट से पहले 1000 करवाओ, जो एक डंडी वाला आंकड़ा वो पार हो जाएगा, वो भी आप लोग की मेहरबानी से, ठीक है भाई। मिलते हैं कल, और जो कल वीडियो बनेगी वो वीडियो रहेगी रैपिडो पे रहेगी, क्योंकि रैपिडो पे सबसे ज़्यादा कमेंट आए, मैंने चेक करा जा करके वीडियो सेक्शन में, सबसे ज़्यादा कमेंट उसी के 15 कमेंट में से, 16 कमेंट में से जो भी रहे, 5-7 उसके साथ रैपिडो गए, तो भाई कल केवल रैपिडो बनेगी, ठीक है भाई। मिलते हैं कल आपसे, जय हिंद।